विधानसभा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। इसमें केंद्र सरकार तक की योजनाओं का जिक्र था, लेकिन राजनीति में टर्निंग पॉइंट मानी जा रही लाडली बहना योजना पर अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा गया। इससे लगता है इसे लेकर भाजपा सरकार अब गंभीर नहीं है और इसके चलते रहने पर भी संशय है। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। इसकी सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें लाडली बहना योजना पर कुछ नहीं कहा गया। इससे लाडली बहना योजना के भविष्य को लेकर संशय पैदा हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि राज्यपाल ने केंद्र सरकार की योजनाओं तक का गुणगान किया, लेकिन लाडली पर वे कुछ नहीं बोले। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लाडली बहना के नाम से भाजपा ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उसकी जीत हुई, लेकिन राज्यपाल के भाषण में लाडली बहना गायब है। भाजपा ने मामा भाजी के नाम से, लाडली बहनों के नाम से ये इन्होंने चुनाव जीता, उसकी इन्होंने ब्रांडिंग करी। इस अभिभाषण में हमारी बहने लाडली बहना गायब है। मैं कहना चाहता हूँ धान खरीदी को लेके जो है किसानों को आज आवश्यकता है वो अभिभाषण के अंदर नहीं है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जो अपने प्रदेश के हैं। मैं चाहता हूँ कि भाजपा सिर्फ सपनों का अभिभाषण दिया है और हमारी लाडली बहन और केवल केंद्र सरकार की बात उनके सपने पूरे करने नहीं चाहती। धन्यवाद। कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का गुणगान है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोकसभा में भाषण दे रहे हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं उन्होंने बताई, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना का कहीं जिक्र तक नहीं था। राज्यपाल महोदय का ऐसा लगा कि ये विधानसभा में दे रहे हैं या लोकसभा या राज्यसभा में दे रहे हैं, क्योंकि पूरा उल्लेख बार बार प्रधानमंत्री के नाम से करा, जिसपे हम लोगों ने सवाल किया कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम इसमें गायब था। दूसरा जो चित्र को लेके बार बार हुई है उसके लिए व्यवस्था दे दी है। और लाडली बहना, आपको पता है कि पूरी बुकलेट में लाडली बहना योजना गायब है। अब इसका जवाब शिवराज सिंह को देना चाहिए। मुंह तो दिख ले। इसके बाद भाजपा नेता इस मसले पर सफाई देते नजर आए। भाजपा के वरिष्ठ विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, हमारा प्रचार डबल इंजन था तो स्वाभाविक है केंद्र की योजनाओं की चर्चा होगी। देखिए ऐसा है कि पूरा चुनाव हमने डबल इंजन की सरकार के नाम से लड़ा है, और डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र के द्वारा पोषित योजनाएं जितनी भी हैं उसका जिक्र कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राज्य का अंश भी होता है, और इसलिए उन योजनाओं का जिक्र करना ये तो हमारी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी। उसके अलावा राज्य की योजनाओं की भी हमने चर्चा की है, और यदि उनको कुछ सुझाव देना हो तो कल दें। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं सबका समर्थन किया है। महिला सशक्तिकरण की तो बहुत सारी योजना है, गाँव की बेटी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बेटी योजना है, लाडली बहना योजना है, सभी है। आज सदन में शक्ति भाई नीचे कर लो यार थोड़ी सी, महिलाओं के क्षेत्र में इनकी प्रगति को लेकर आर्थिक सशक्तिकरण जो अभिवादन हुआ है उसके लिए विधानसभा के वंदन करती अभिनंदन करती हूँ। महामहिम का अभिवादन स्वागत के योग्य है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।